कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और हम आईएसएम के छात्र अपने कर्तव्यपरायण और स्वार्थी जीवन से हटके कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। शत प्रतिशत साक्षर भारत, और ये कर्तव्य इस दिशा में हमारा पहला कदम है। यह देखकर हमारा हृदय भर आता है कि आईएसएम के कैंपस के पास रहने वाले गरीब बच्चे विद्यालयों में उचित शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं और कुछ सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं जिनकी प्राथमिक शिक्षा भी उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए उन्हें प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लक्ष्य से आईएसएम के 99 बैच ने यह कार्यक्रम एमरल के सामने एक छोटे से मंदिर में शुरू किया। से कोई जानकारी प्राप्त करता है। बेसिकली कर्तव्य 1996 में हमारे आईएसएम के सीनियर थे अमृत मिश्रा सर, जो कि इस समय आईपीएस हैं, उन्होंने शुरू किया था। उस समय मेरे सीनियर यहाँ पे पास में मंदिर में पढ़ाया करते थे। उस समय यहाँ पे कोई बोर्ड या कुछ नहीं था, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, हम लोग ऐसे ही पढ़ाया करते थे। फिर मैंने जब कर्तव्य ज्वाइन किया, मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों का एक ये कर्तव्य एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एक मकान या ये मकान हायर किया और यहाँ पे हम लोग बोर्ड वोर्ड बनवा के इन लड़कों को क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके अभी पढ़ा रहे हैं। बेसिकली कर्तव्य इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कर्तव्य इसलिए रखा गया क्योंकि हम लोग इस सोसाइटी को बता सकें कि आखिर हमारी सोसाइटी के प्रति जो कर्तव्य हैं वो आखिर क्या हैं। आखिर इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि सोसाइटी आखिर हम लोग क्या कर्तव्य हैं सोसाइटी में। आप क्यों हैं कर्तव्य में? मैं जब कभी भी स्कूल जाया करता था उस समय मैं देखा करता था कि मेरे उम्र के लड़के जो कि होटल पे काम कर रहे हैं या मेस में काम कर रहे हैं या ठेला लगाए हुए हैं, मुझे काफ़ी अजीब लगता था कि ये लड़के जो कि मेरी उम्र के हैं इन्हें स्कूल जाना चाहिए लेकिन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो मुझे काफ़ी ये बात फील करती थी, मुझे लगता था मैं कुछ लाइफ में आगे चल के ऐसा कर पाऊँ कि ये लोग भी स्कूल जा सकें या कुछ कर सकें। अपने सीनियर्स के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हम इसे नियमित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। छात्रों की संख्या 10 से बढ़कर 120 हो गई है। हमारे यहाँ 40 वॉलंटियर्स हैं जो 7 ग्रुप्स में बंटकर रोजाना कक्षा चला रहे हैं। सभी जरूरी विषय यहाँ पढ़ाए जाते हैं। अपनी कक्षा मंदिर से एक 3 कमरे वाले किराए के मकान में स्थापित कर दी है। हमारे मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना है। पर इसके अलावा हम प्रत्येक रविवार 4थी एवं 5वीं कक्षा के छात्रों को जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए भी तैयार कर रहे हैं, जहां पर पढ़ाई के साथ साथ रहना एवं खाना भी मुफ्त है। और हम उनके बातचीत के तरीके को भी सुधार रहे हैं। अभी हमने सभी विद्यालयों में जाकर विनती की है कि वह अपने विद्यालयों में छात्रों का नामांकन करा दें। उनकी तरफ से भी उम्मीद नजर आई है, इसलिए हमने कुछ लोगों का नामांकन कराने की योजना बनाई है। सबसे योग्य छात्रों को इसके लिए चुना गया है। नाम क्या है तुम्हारा? सपना कुमारी। पापा का नाम? प्रदीप वर्मा। क्या करते हैं पापा? गाड़ी बनाते हैं। गाड़ी बनाते हैं? हाँ। और तुम यहाँ आने से पहले क्या करती थी? पढ़ा करता था। कहाँ पे? यहाँ पे। नहीं, यहाँ आने से पहले? यहाँ पे घर में। घर में पढ़ती थी? हाँ। और कौन पढ़ाता था? पापा। और बड़ी होके क्या बनना चाहती हो तुम? पर ये काफी मुश्किल काम है। इसको अंजाम देने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। शुरुआत में बच्चों के माता पिता को समझाना पड़ा था
कि प्राथमिक शिक्षा का क्या महत्व है। हर एक बच्चे की अपनी एक अलग कहानी है। और बच्चों को संभालना तो आसान काम नहीं ही है। पड़ोसियों को भी बच्चों के शोरगुल से काफी परेशानी होती थी, पर हमने उनसे सहयोग करने को कहा और वे मान गए। कर्तव्य के भविष्य के बारे में क्या सोचा है आपने? एक्चुअली इस साल हमने 90 बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए सोचा है, तो बट आगे आने वाले 2-3 सालों में हम लोग ये 90 से बढ़ाकर 200 कर देंगे। और उसके अलावा जो बच्चे अभी गवर्नमेंट में हमने डाल रहे हैं उनको प्राइवेट में डाल देंगे, उनका एडमिशन सभी का प्राइवेट में करा देंगे। और इसके अलावा एक कर्तव्य की लाइब्रेरी बनाने की सोच रहे हैं अगले 2-3 सालों में, जहाँ पर कि कुछ बुक्स होंगी जो बच्चे बुक्स नहीं खरीद सकते वो वहाँ पढ़ सकें। और इसके अलावा 1-2 कंप्यूटर भी हम उसी लाइब्रेरी में लाने की सोच रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो थोड़ा बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के बारे में हो जाए। तो ये थी कर्तव्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी। आइए यहाँ पे हुई एक छोटी घटना के बारे में आपको बताता हूँ। एक बार यहाँ पे पढ़ रही एक छोटी लड़की ने अपने चप्पल खो दिए। चप्पल खोने के बाद वो हमसे आके कहती थी कि हम उसे एक नई जोड़ी चप्पल खरीद के दें। लेकिन जब भी हम उससे पूछते थे कि तूने पापा से क्यों नहीं कहती, तो उसका कोई जवाब नहीं होता था। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि ना ही उसके पापा हैं और ना ही मम्मी, वो अपनी दादी के साथ यहाँ पे रहती है। इसी तरह और भी छोटी छोटी घटनाएं हैं जो यहाँ पे पढ़ा रहे आईएसएम के छात्रों के साथ हुई है। इन सभी बच्चों के लिए ऐसी परिस्थितियों का सामना करना काफी मुश्किल है। इतना ही कर सकते हैं कि हम उन्हें समझाएं और उनका मनोबल बढ़ाएं। चलो सब मिलकर उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इन बच्चों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। हर साल एक बच्चे को स्कूल भेजने के लिए हमें करीब 1000 रुपए की जरूरत पड़ती है। इस साल 2006 में हम कोशिश कर रहे हैं कि करीब 90 बच्चों को स्कूल में दाखिला करवा सके, और हमारी ये भी कोशिश है कि इस संख्या को हम बढ़ाएं। लेकिन इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। आपके द्वारा की गई कोई मदद हमारे लिए सहायक सिद्ध होगी।